ये देखिए गाइस, आज हम बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी सी रेसिपी लेकर के आए हैं, जो कि आप देखकर खुश हो जाने वाले हैं। बहुत यम्मी सी मिठाई है जिसे आज हम बनाएंगे अपने इस चैनल पर। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत अच्छी सी मिठाई, जो कि आपके घर के ही इंग्रेडिएंट से मिलकर बनेगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत कम लागत लगेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी मिठाई। तो हमारी तरफ से आप सभी लोगों को, पूरी फैमिली को हैप्पी दीपावली। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी ये मिठाई। तो ये देख सकते हैं गाइस, हमने 2 बाउल आटा ले लिया। तो देखिए, इस थाली में हमने आटा छाना हुआ था, तो आपको मेजर करके बता रहे हैं। 2 बाउल आटा ले लिया है हमने इसमें, और आटा बारीक लेना है। इसमें बारीकी का ध्यान रखना है। अगर आपके पास आटा बारीक नहीं है तो आप क्या करें कि 1 बाउल आटा और 1 बाउल मैदा भी कर सकती हैं। अभी 1/2 बाउल सूजी ले ली है, तो सूजी भी अगर मोटी है तो आप बारीक वाली ले लीजिएगा, नहीं बारीक है तो आप मिक्सर के जार में डालकर उसे ग्राइंड कर लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी, बिखरने का रहेगा ज़्यादा। अब 1 बाउल ले लिया है पिसी हुई चीनी, उसको ऐड कर देंगे। और ये डाल दिए हमने तिल सफ़ेद वाले, और ये ले लिया है नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड नारियल। तो ये हम 4 स्पून डालेंगे, बस 4 स्पून डाल दिया है। अब हमें इसमें इलायची वगैरह अगर आप डालना चाहते हो, सौंफ डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मगर हमने नारियल का ही फ्लेवर रहने देना है, इस वजह से हमने सौंफ और इलायची इसमें नहीं ऐड करी है। अब इसे मिक्स करेंगे। जाइएगा यहीं पर आके देखिएगा क्या हमने ट्विस्ट इसमें दिया हुआ है, वो देखकर आप बिल्कुल खुश होने वाले हैं, क्योंकि बहुत अमेजिंग सी ट्रिक है इसका गाइस। इसमें कम से कम 3 से 4 रेसिपियों का हमने किया हुआ है, जैसे कि आटे के ठेकुए आपको नज़र आएंगे इसमें, सूजी के पुए नज़र आएंगे, आटे के पुए नज़र आएंगे, और बेसन की भी बहुत अमेजिंग सी रेसिपी नज़र आएगी। तो ये देखिए, 4 से 5 स्पून हमने घी ऐड कर लिया है। देखिए, ऑयल डालने को आप डाल सकते हो, लेकिन उससे क्या है, क्रंची बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। और हमें बनाना है खस्ता, यानी बिल्कुल अच्छे से अमेजिंग से। तो 6 से 7 स्पून हम डाल देंगे इसमें घी, देसी घी ही लेना है आपको इसके लिए। और अब देखिए, इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, तो आप देख सकते हो कि अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स इतना करना है कि ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी बांधने पर बंद जाए, बस हमें इतना ही लेना है। ये देख सकते हो, मोयन के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी मुट्ठी बंद, मतलब मुट्ठी बंद गई थी हमारी अच्छे से, मगर हम इसे टच कर रहे हैं उंगली से तो फूट भी जा रही है। तो इस तरह से हम बढ़िया सा रेसे में मोयन लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल पानी से डो लगा लेंगे। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि इसमें चीनी पड़ी हुई है, इस वजह से बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको पानी ऐड करना है, क्योंकि ये पानी के संपर्क में जैसे ही चीनी आएगी वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। तो अगर ज़रा सा भी लापरवाही करी पानी ऐड करने में, तो आपका आटा या आपका डो आसानी से लगेगा नहीं सही से। तो आप देख सकते हो, इस तरह से हम बढ़िया सा मसलते हुए गूंथ लेंगे आटे को। तो आटे को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है। तो ये देख सकते हो, हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अपने आटे का डो लगा लिया है। लेकिन अभी करते हैं ट्विस्ट एंड टर्न। देखिए, अगर आप बेसन इसमें डाल देते हो 3 से 4 स्पून, तो क्या इसमें बेसन का भी फ्लेवर आएगा, जो कि बहुत टेस्टी लगेगा, हेल्दी तो होता ही है होता बेसन। तो देखिए, अभी जो बिना बेसन के बनाना चाहते हैं मिठाई, इस मिठाई को, तो बस जहाँ पर हमने डो लगाना शुरू किया था, बस वहीं तक डो बना लीजिएगा, बेसन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये थोड़ा सा हमने ट्विस्ट दिया है इसमें कि बेसन का भी फ्लेवर आए। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा पानी लगाते लगाते आटे को अच्छे से गूंद लेंगे, डो लगा लेंगे। तो ये देखिए, डो लग चुका है अच्छे से। अब इसे हम 15 से 20 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सूजी वगैरह है तो पानी सोख कर लेगी। और आप देख सकते हो, बाउल में पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही लगा है, बहुत ज़्यादा 10 से 12 स्पून पानी हमारा लग गया है इतना सारा डो बनाने में, क्योंकि चीनी जो है वो मेल्ट होती है, तो वो बहुत जल्दी गीला कर देती है बैटर को या डो को। तो ये देख सकते हो, इस तरह से हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से फूल जाए आपकी जो भी इंग्रेडिएंट हैं इसमें पड़े हुए। तो देख सकते हो, बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है ये,
बहुत अच्छी सी मिठाई है। और तो और सभी लोग इस दीपावली बनाकर इसे तैयार कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, घर के ही इंग्रेडिएंट ऐड हैं जो नॉर्मली सबके घर में अवेलेबल होते हैं। तो इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पर, 15 से 20 मिनट के लिए, जैसे कि अच्छे से सूजी वगैरह फूल जाए और अच्छे से डो बन जाए। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इस मिठाई को बनाना शुरू करेंगे। तो पहले तो आटे के डो को अच्छे से मसल लेंगे इस तरह से। तो ये अभी आपको बिखरा बिखरा सा लग रहा है, लेकिन ये बिखरा बिखरा नहीं रहेगा, बहुत टेस्टी इसकी मिठाई बनकर तैयार होगी। तो ये देख सकते हो डो अच्छे से हो गया है। अब क्या है, इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। देखिए इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही बेलना पड़ेगा आपको, ना ही चाशनी बनानी पड़ेगी, और ना ही आपको कोई झंझट करना पड़ेगा, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देख सकते हो छोटी सी बॉल ले ली है, ठीक है। अब इससे हम इसे शेप दे देंगे। तो देखिए आप चाहे तो ऐसे शेप दे सकते हैं, मगर हम एक और इजी तरीका आगे बताएंगे जो कि बहुत अमेजिंग होगा और बहुत जल्दी ढेर सारे बनकर तैयार हो जाएंगे ये। तो ये देख सकते हो इस तरह से। तो हमें क्या करना है, एक ले लेना है प्लेटफॉर्म, यानी चौकी ले लीजिए या चॉपर ले लीजिए या फिर चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए। तो हमने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड थोड़ा लंबाई में अधिक होता है, इस वजह से जो सिल्क की चौकी होती है, मतलब जिस पर हम रोटियां बेलते हैं, वो जो चकला होता है उस पर अच्छे से नहीं बिल पाता है। तो देखिए लॉग बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इसके बाहरी पार्ट को यानी पहले पार्ट को इसको हटा देंगे कट करके इस तरह से। और अब देखिए सफाई दे दी है हमने अपने रोल में। अब इसको हल्का सा तिरछा रखते हुए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, हल्का तिरछा रखते हुए इसे इस तरह से कट कर लेंगे, ये देख सकते हैं आप। और अब इसकी हम मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो आप देखते रहिएगा, यहीं से आगे तक देखिएगा, पीछे मतलब बैक मत करिएगा, आगे तक देखिएगा, बहुत अच्छी मिठाई बनकर तैयार होगी। ये देख सकते हो बच्चे आपके बिस्किट मांगना भूल जाएंगे एकदम से। अमेजिंग सी रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है। ये देख सकते हो इस तरह से सेब दे दिया। तो देखिए इस तरह से सेब देने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि सेब ऑलरेडी उसका दिया हुआ होता है, सिर्फ और सिर्फ हमको थोड़ा सा हाथ से साफ करना होता है बस। ये देख सकते हो इस तरह से। तो हम इस तरह से करते हुए अच्छे से हम सेब देंगे, ये देखिए। तो इस दीपावली चाहे छोटे लोग हों, बड़े लोग हों, बीच के लोग हों, सभी ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, और सब लोग अपना मुंह मीठा कर सकते हैं। कम से कम लागत में बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए ये सारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं फ्राई के प्रोसेस पर। उसके लिए देखिए हमने अपना पैन चढ़ा दिया है और उसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, क्योंकि अब हम रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे, ये देख सकते हो। तो इसको गर्म कर लेंगे और इसमें छोटू सा डो डालकर देख लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम नहीं चाहिए, मीडियम फ्लेम चाहिए है गर्म होने के लिए। तो इस तरह से हम डो डालकर देख लेंगे, अगर ये डो हमारा फटता नहीं है, ऑयल में जा कर के बिखरता नहीं है, तो आपका डो परफेक्ट है, और आप डालते ही आपके डो में बस ना आने लगे, 1 से 2 सेकेंड, हाफ सेकेंड समझ लीजिए, रुकने के बाद बबल्स आते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका ऑयल ठीक है गर्म। तो ये देख सकते हो इस तरह से हम डालेंगे। तो एक बार में जितने आ जाए उतने ही आपको ऐड करने हैं, ये देख सकते हैं। तो गाइस हमने देखिए थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिए थे, तो उनको बाहर निकाल कर रखना पड़ा, और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से उलटते पलटते इनको सेक लेंगे। एक बात गाइस, अगर हम याद दिला दें, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और इसी तरह से बना करके खाइएगा ये मिठाई। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और उलटते पलटते सेक लेंगे, ये देख सकते हैं, अलग थाली में निकाल कर रख लेंगे, देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इनको बहुत आसानी से निकालना पड़ता है और फ्राई करना पड़ता है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से, तो सारे के सारे बना लेते हैं और फिर दिखाते हैं। तो ये सेकंड बैच है, इसी तरह से हम सारे बैचेस सेक लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमारे बन करके तैयार हो गए यम्मी टेस्टी से खस्ता सी मिठाई। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैप्पी दीपावली।